ये एरिया सिटी से बाहर है। अभी तो रात है, नहीं तो व्यू बड़ा अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे चारों तरफ माउंटेन है, अगर रात की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। देखिए ये कैमरा छोड़ चुके हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है सबकी। यहाँ पे पहले सिक्योरिटी चेक होगी, जो भी आते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हमारी एंट्री होती है। यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा, अभी तो रात होगी इसलिए लोकेशन नहीं दिख पा रहा है। दिन में आते थे, इनको दिखाते हैं लोकेशन। दिन में कभी फिर हम लोग आएंगे तो लोकेशन दिखाते हैं। अभी आपको हम लोग दिखाते हैं अंदर से कैसा है। We can sit together, it's so beautiful. अगर कोई चाहे, अगर नॉर्मली तो यहाँ पर भी वो बाहर बैठ के खा सकते हैं नेचुरली। काफ़ी प्यारा लोकेशन है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आपको शादी करनी है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जैसे अपने यहाँ सजावट के लिए अलग पैसे, शादी का क्या, इनका खुद यहीं पे हुआ था इंगेजमेंट यहीं पे हुआ था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि केवल यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर फॉरेन, यूरोप में कहीं भी तुम चले जाओ, तुमको केवल खाने का पैसा देना है। सजावट और बैठने का और पूरा डेकोरेशन, ये सारा काम ये फ्री में करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पे हम लोग अभी कर रहे हैं खाने का, सेम पे करना है, बस टेबल बुक होती है। कितने टेबल आप बुक करना? आप कुछ दिन पहले आओ, कुछ पैसा पहले दे दो, उसके साथ ही आपको जैसे कि मेरे पास 20 गेस्ट हैं, 20 गेस्ट के लिए आप मेरे लिए टेबल बुक कर दो, खाने के लिए बोल दो, खाना पहले से रेडी रहेगा। जैसे ही आपके गेस्ट आएंगे उसके पहले खाना रेडी है सब। यहाँ पे अगर आप 1-2 लाख में अच्छी खासी शादी हो जाएगी। बढ़िया भाई, बहुत सस्ता है। और इंडिया में इस सजावट के लिए, इंडिया का तो खैर सब जान ही रहे हैं, बताने का जरूरत ही नहीं है उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और ये अपने कोविड की चेकिंग होती है। यहाँ टेम्परेचर वगैरह सब चेक किया जाता है। फोटो चल रहा है, 2 घंटे बीत चुके हैं। वो देखिए वो बर्थडे बॉय, और तब से आने के समय से कैमरा हाथ में लिया है और बारी बारी सबका फोटो शूट कर रहा है। इंडिया से बाहर आने के बाद से कभी तुमने खाना खाया है? और नहीं, इंडिया से बाहर जब खाना खाया है तो अभी हमेशा कैसा इंडिया जैसा ऑथेंटिक खाना मिलता है? नहीं मिलता है। कितने आसानी से बोल दिया तुमने। मैंने देखा है नहीं मिलता। मॉस्को में शायद देते थे, वहाँ पे मॉस्को एयरपोर्ट पे। यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। क्यों? मैं तो यहाँ पे गया ही नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ खाया हूँ, और यहाँ का खाना बेस्ट है। बेस्ट है बिल्कुल। और इसके बाद हमने रेस्टोरेंट के ओनर से रिक्वेस्ट की कि हम आपके इंडियन शेफ से मिलना चाहते हैं, जो कि नेपाली मूल के थे। उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारा ऑर्डर लिया, और बोला कि करीब हमें 40 to 1 आवर वेट करना पड़ेगा। भूख तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी और काफ़ी दिनों बाद जो इंडियन खाना मिलने वाला था इसकी वजह से काफ़ी एक्साइटेड भी थे। अपने भाई का बर्थडे भी था तो एक्साइटमेंट डबल था। एनीवे ये रेस्टोरेंट हमारे सिटी में इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन खाना सर्व करता है और सिटी से बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 4 से 5 किलोमीटर सिटी से बाहर है। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि ये सुंदर होने के साथ साथ यहाँ का खाना भी बेहतरीन होता है और यहाँ पे लोग बर्थडे, शादियाँ या फिर नॉर्मल किसी भी ओकेशन के लिए आते हैं। समर में यहाँ पे कुछ और व्यू होता है और विंटर में कुछ और रात होने की वजह से मैं आपको यहाँ के सारे व्यू को दिखा नहीं सकता, पर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी उस एक्सपीरियंस को महसूस कराऊँ। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.